मॉर्निंग कैसे आप सभी गाइस। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू, आपने इतना सारा प्यार दिया। काफ़ी सारे लोगों ने वेडर वाली वीडियो देखी, काफ़ी अच्छे खासे उस पर कमेंट्स आए। मैंने उसके कमेंट्स पढ़े, कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि भाई आप वेल्डर हेल्पर के बारे में बेसिकली कुछ बताओ, ठीक है। अगर हमको सिंगापुर में एज एन हेल्पर काम करना हो, वेल्डर हेल्पर, तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मैं आपको बता दूँ वेल्डर हेल्पर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको बेसिकली वेल्डर का आपने कोर्स नहीं किया हुआ है, काम नहीं सीखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वेल्डर्स के साथ में रह करके एज एन हेल्पर वर्क करनी पड़ती है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि अगर आप उनके साथ में रहते हो, वेल्डर का काम करते हो, तो आपको कुछ दिनों बाद वेल्डर का काम आप सीख जाते हो और आप बाद में एज एन वेल्डर वर्क करते हो, ठीक है। सेकंड चीज, आपको वेल्डर हेल्पर पे काफी अच्छा खासा पैसा ही मिलता है। वेल्डर पे जितनी मिलती है उससे थोड़ा ही कम मिलता है, बट अच्छा मिलता है। अभी बताऊंगा कितने तक सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वेल्डर हेल्पर का आप काम कर रहे हो तो थोड़ा आपको मेहनत पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही वही काम होता है, थोड़ा आपको, आप कोई फ्रेशर हो, आपने अभी काम नहीं सीखा हुआ, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट कुछ दिनों बाद आप काम सीख लेते हो। सो चल बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में, उसके बाद वीडियो क्लास में मैं सैलरी बता दूंगा। फिर मैं रिक्वायरमेंट पहले बताया तो आप लोगों के साथ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखो, अगर आप वेल्डर का कोर्स कर रहे हो आईटीआई से, ठीक है, कई सारे लोग काम सीख रहे हैं, कई सारे लोग सीख चुके हैं, तो आप एक काम करो, कहीं ना कहीं 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि एक्सपीरियंस जब बहुत ज़्यादा मैटर करता है सिंगापुर में। आप जितने अच्छे एक्सपीरियंस रहोगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क होते हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस पे काम करो, दो महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से ले लो, ठीक है, उससे आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। सेकंड चीज, आपका जो 10th और 12th की डिग्री है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स हो, और 10th 12th आप मिनिमम पास हो, ठीक हो, ये चीज़ जरूरी है। थर्ड चीज़ है मेडिकल परफेक्ट हो, शरीर में किसी प्रकार की कमी ना हो, कोई भी बीमारी से आप पीड़ित ना हो, किसी वायरस से आप पीड़ित ना हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। डॉक्टर से हरदम चेकअप करवाते रहो, और चेकअप करवाने के साथ साथ अपना मेडिकल एकदम प्योर हो, हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। फोर्थ चीज़ है आपके ऊपर किसी टाइप का केस क्राइम ना हो, हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस कराना जरूरी है अभी के टाइम पे, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैलरी की बात करें तो अगर आप एज ए फ्रेशर काम करते हो, एज एन वेल्डर हेल्पर काम करते हो, तो फ्रेशर के तौर पे आप स्टार्टिंग में 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो आराम से। कई सारे लोग 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं जो कि एज एन वेल्डर हेल्पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, ठीक है। तो आप वो भी जाकर वेल्डर वाली वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। हैव ए नाइस डे। आप आराम से 1.5 लाख रुपये